दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको लेकर के जाने वाले टाटोते शरीफ दरगाह जो कि हजरत सैयद शेख कासिम बगदादी रहमतुल्ला अलैह की दरगाह शरीफ है और दोस्तों यहाँ पे कई सारी करामतें बताई जाती है। तो आज हम आपको पूरा लाइव लेकर के जाएंगे और आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो और यहाँ की क्या क्या करामत है वो भी हम यहाँ के जो खादिम साहब है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आप अगर अजमेर शरीफ आते हो तो अजमेर शरीफ से आपको नसीराबाद आना हो, नसीराबाद से आपको जो सरवाड़ वाला रोड है सरवाड़ से कुछ ही किलोमीटर पहले एक चौराया पड़ता है जिसको 12 मील चौराया बोलते हैं। उस 12 मील चौराहे पे एक बोर्ड लगा हुआ है टाटोते शरीफ दरगाह का, वहाँ से आपको 8 किलोमीटर अंदर आना। अंदर आने के बाद में आपको बुलंद दरवाज़ा नज़र आएगा दरगाह शरीफ का, जो कि टाटोते शरीफ दरगाह का बुलंद दरवाज़ा, वहाँ से आपको अंदर एंटर होना है। जैसे कि अभी हम चल रहे हैं ये बुलंद दरवाजे से ही अभी हम अंदर आए और आपको सामने यहाँ पर दरगाह शरीफ नज़र आएगी, दरगाह शरीफ का गुंबद यहाँ पर नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पर दरगाह शरीफ की कई सारी करामतें बताई जाती है, दरगाह शरीफ में लोबान भी दिया जाता है और लोबान की भी काफ़ी ज़्यादा करामत बताई जाती है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों किस प्रकार का यहाँ का माहौल है। दोस्तों यहाँ पे उर्स भी लगता है और अभी मैंने ये वीडियो जब शूट करा था तो उर्स से करीबन 2 दिन पहले का ये वीडियो है जो आप देख सकते हो। यहाँ पर तैयारी चल रही है, आप पूरा नज़ारा यहाँ देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे उर्स कौन सी तारीख को होता है वो भी हम यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनसे जानेंगे और खादिम साहब से ही बात करेंगे कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो, मतलब आपको पूरी जानकारी यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनसे ही लेकर के हम आपको लाइव कैमरे में देने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो अभी हम दरगाह शरीफ के अंदर मौजूद है और यहाँ पर अभी उर्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। हालाँकि मैं ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो जाऊंगा जब तक यहाँ के उर्स हो जाएंगे, ये उर्स से 2 दिन पहले का वीडियो है। आप यहाँ देख सकते हो किस प्रकार का नज़ारा। और दोस्तों जो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको लोबान की करामत, तो दोस्तों यहाँ पे लोबान से अगर किसी के शरीर के अंदर कोई भी रूहानी ताकत है, ब्लैक मैजिक है, किसी ने कुछ करा रखा है, तो उस लोबान को लेने से उनके शरीर के अंदर ऐसी सब चीज़ें दूर होती है। और दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि बड़ी से बड़ी मन्नत और मुरादें यहाँ पे पूरी होती है और बच्चे से रिलेटेड जिनके औलाद नहीं होती है तो यहाँ पे दुआ करने से उनको औलाद भी नसीब होती है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नगाड़ा बजने के बाद में यहाँ पर लोबान दिया जा रहा है और लोबान के लिए यहाँ पर ऐसे ही लाइन लगती है। एक तरफ लेडीज़ की लाइन होती है, एक तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से लाइन लगा रखे, तो यहाँ पे लोबान दी जाती है, सब यहाँ पे लोबान लेते हैं, तो लोबान की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करामत बताई जाती है। अभी दोस्तों यहाँ के जो खादिम साहब हैं उनसे हम बात करते हैं और अंदर चलते हैं, आपको ज़ियारत कराते हैं और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। ये आप आए हो हजरत शेख कासिम बगदादी टाटोते शरीफ के अंदर, ये देख रहे हो ये काफ़ी साल पुरानी दरगाह है और इनका बहुत बड़ा करिश्मा भी है, वाकया है जो मैं अभी सुनाऊंगा मैं आपको। और आप यहाँ पे क्या करते हो? हम यहाँ पे यहाँ के खादिम हैं, मुजाविर हैं, साफ सफाई करते हैं, यहाँ की इनकी खिदमत करते हैं हम। जैसे ये टाटोते शरीफ दरगाह है तो ये कहाँ पड़ती है, अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ पे? ये अजमेर शरीफ से आप सीधा नसीराबाद आ जाओगे, नसीराबाद से ये सीधा 12 मील चौराया आएगा इधर, तो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ हजरत सैयदना शेख कासिम बगदादी टाटोते शरीफ, वहाँ से निशान हो रहा है, वहाँ से 7-8 किलोमीटर आने के बाद में यहाँ से फिर बुलंद दरवाज़ा दिख जाएगा, ये दरगाह है जंगल के अंदर और ये पास में पड़ता है नसीराबाद से, काफ़ी पास में है। और चलिए आगे, तो ये दोनों ब्राउंडे है इधर, वो उधर कबूतर खाना है और इधर नमाज वमाज पढ़ने के लिए ये है। और हाँ ये इधर आइए, ये किसी की मन्नत होती है ना, अभी किसी की मन्नत होती है बच्चा तुलवाने के लिए, तो उनका यहाँ पे इनके सामने हमारे दादाजी के सामने यहाँ पे इनको तोला जाता है और जो किस हिसाब से तोला जाता है जो अपने मन्नत के ऊपर है हर चीज़ के लिए, कोई गुड़ खोपरे में भी तोलता है, कोई किसी में तोलता है, जो सबकी ये मन्नत के लिए ही याद कराते हैं आपकी। ये हमारे हजरत शेख कासिम बगदादी टाटोते शरीफ की दरगाह है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। आप देख रहे हो इनके उर्स कब रहते हैं? 12 रबी अव्वल की, 12 रबी अव्वल की चांद की तारीख है 25 तारीख को इनका चादर पेश होती है और 26 तारीख को इसका कुल हो जाता है सुबह 8 बजे। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मस्जिद कितनी पुरानी हो गई है?
ये उसी टाइम की है, बहुत पुरानी मस्जिद अच्छा, है, बाबा के टाइम की है, बहुत पुरानी मस्जिद है।